दो का सिलसिला। यादों का सिलसिला। आज हम आपको सुनवा रहे हैं चरित्र अभिनेता गोपी भल्ला से मंजरी वर्मा की बातचीत। श्रोताओं को मंजरी वर्मा का नमस्कार। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। श्रोताओं, जब हम किसी नाटक, फिल्म और सीरियल में कविता, गीत, संवादों का आनंद लेते हैं, वे जिस भी भाषा में गुथे हुए हों, हम उसमें अपने आप को आत्मसात कर लेते हैं, उस दृश्य में खो जाते हैं। उनमें जो भाव कलाकार पर्दे पर हमें अपने अभिनय द्वारा दिखा रहे होते हैं, हम उन भावों से जुड़ जाते हैं। उन भावों में कुछ विशेष भाव होते हैं जो हमारे अंदर भावनाओं को जगा देते हैं। इन्हें रस के रूप में हम सभी जानते हैं, जैसे वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस और बहुत से रस होते हैं। लेकिन श्रोताओं, इसी में एक रस है हास्य रस, यानी कॉमेडी करना। और आप तो जानते ही हैं कि किसी को हंसाना ये उतना आसान नहीं होता जितना कि हम सोचते हैं। लेकिन जो इस कला में माहिर होते हैं, वो चाहे बड़ा पर्दा हो या छोटा पर्दा, अपने अभिनय से, डायलॉग बोलने के अंदाज से, ढंग से दर्शकों के दिलों में बस जाते हैं। तो भाई, आज विविध भारती के स्टूडियो में अपने अंदाज से, अभिनय से और संवाद अदायगी से लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ने वाले बेहतरीन फिल्म अभिनेता और कॉमेडियन टीवी कलाकार गोपी भल्ला जी आए हैं। उनका हम स्वागत करते हैं। और श्रोताओं, उनके एक सीरियल का डायलॉग बच्चों से लेकर बड़ों तक की जुबान पर रच बस गया था। अब उन्हीं से सुनेंगे तो बहुत मजा आएगा। गोपी जी, आपका तहे दिल से स्वागत है, नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत। वेल मंजरी जी, व्हाट इज द मैटर, इज द ऑन करो जनरेटर, इज द मेरा फेवरेट त्यौहार है होली, इज द बच्चों को सुनाते हैं लोरी, इज द प्लीज कैरी ऑन। या गोपी जी, आपका ये अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा और हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को भी बड़ा पसंद आया होगा। तो गोपी जी, ये जो अभी आपने डायलॉग बोला, ये तो भाई वो सीरियल मुझे याद आ रहा है कि FIR का बड़ा प्रसिद्ध संवाद रहा, इसने आपको एक खास पहचान दिलाई जी, तो इस बारे में तो आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, ये राइटर का बहुत बड़ा योगदान है। जो इसके राइटर थे अमित आर्यन, उनने इतने अच्छे डायलॉग लिखे हमारे लिए, मतलब मजा आ गया काम करके। और हमारे डायरेक्टर, अपने कैमरामैन और जितनी टीम थी, मतलब सब बहुत अच्छा था। बस ये हो जाता है कई बार, कुछ चीजें क्लिक हो जाती हैं तो हो ही जाती हैं। मतलब ये डायलॉग जो है अमित आर्यन जी ने लिखे थे, और जो मैं बोलता था, हुदा यूदा आर इज द, मैं हूँ चौकी का अक्षय कुमार इज द, सारा उन्होंने लिखा हुआ था। बहुत अच्छा लगता था जब हम लोग इसको देखते थे, सीरियल के सारे एपिसोड देखे, तो बड़ा अच्छा लगता था जब आप पर्दे पर आते थे और सबको हंसाते थे, तो हम लोग भी घरों में हंसते हंसते एकदम फुटफुट हो जाते थे। अब देखिए, घर से हमने बात शुरू करी है कि हम लोग घर में ऐसा सुनते थे, तो हम चाहते हैं गोपी जी, आपका जो ये फिल्मी सफर है या ये जो टीवी सफर है, इससे पहले हम आपको आपके बचपन के गलियारों में ले चलते हैं, है ना? तो आप हमारे सुनने वाले तमाम श्रोताओं को ये साझा कीजिए कि आप कहाँ से हैं, आपका बैकग्राउंड क्या, आपके फैमिली परिवार में कैसा है, क्या है, इस बारे में भी कुछ बताइए। मैं पंजाब से हूँ, नाभा से, नाभा में मेरा घर है, वहीं पे मैं, मतलब मेरा बर्थ हुआ, मेरा जन्म भी वहीं पे हुआ। और अपना बड़ी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं, ऐसा फादर मेरे हेड पोस्ट मास्टर थे, और तीन भाई तीन बहनें हैं। तो वहीं से, मतलब बड़ी बहन कहती हैं मुझे, बचपन से ही शौक था एक्टिंग का, मतलब शीशे के आगे खड़े होके बाल संवारते रहना, खड़े होना, स्टाइल मारना, ऐसा करके बचपन से ही मुझे शौक रहा है ऐसा करके। बाकी वहीं से शौक हुआ नाभा से, मतलब ये बड़ा अच्छा शौक है कि शीशे के सामने आप अपने आप को देख रहे हैं, बार बार एक्टिंग कर रहे हैं, संवार रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है इस समय आप जब याद करते हैं उन दिनों को। तो हाँ, वो दिन याद आते हैं मुझे। एक्चुअली मैं जो शुरुआत हुई थी मेरी रामलीला से हुई थी। अच्छा, तो रामलीला में मैं रावण के दरबार में ना, मैं लड़की बन के डांस किया करता था। तो घर वाले बड़े परेशान होते थे, यार तुम लड़की बन के क्यों डांस करते हो यार, कोई और रोल कर लो, राम जी बनो, लक्ष्मण बन जाओ, हनुमान जी का कोई अच्छे करेक्टर कर लो, पर मेरे को तो नहीं देते थे कोई ऐसा करके। फिर मेरे को यही शौक था, मुझे भी ये था मैं नजर आऊं लोगों को, मैं तालियां बजे जब मैं आऊं स्टेज पे ऐसा करके। कलाकार को चाहिए भी क्या, उसको तालियां अगर मिलती हैं दर्शकों की, तो उसके लिए बहुत उपहार के समान होता है। हाँ, नाभा में हमारे नागरा चौक है एक, वहाँ पे रामलीला होती थी, शुरुआत मेरी वहाँ से हुई है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी शुरुआत हुई आपकी, रामलीला से आपने शुरुआत करी। और जैसे कि आपके माता पिता जो है, नहीं अभी तो नहीं है। अच्छा, ओके, मतलब जो आपके माता पिता नहीं है, तो वो उस समय आपको, मतलब घर में
कैसा माहौल था या आपको किस तरह से समझाते थे, जैसे आप नाटक कर रहे हैं या फिर आप कुछ और चीजें घर में करते थे, तो कुछ माहौल कैसा था? नहीं, माहौल तो बाऊजी तो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे ये। हाँ, बीजी तो हम पंजाबी में माँ को बीजी कहते हैं, तो बीजी मेरी सपोर्ट में रहती थी हमेशा ऐसा करके सब है। तो एक्टिंग का मतलब इतना शौक था, मैं बंक भी बहुत मारता था क्लास में, मतलब ऐसा करके स्कूल से भाग के मतलब मैं तालाब में नहाने चला जाता था। एक छोटा सा किस्सा शेयर करता हूँ आपके साथ। तो मैं तालाब में नहा रहा था तो मेरे बड़े भाई साहब आ गए वहां पे, वो मेरे को पकड़ के ले गए स्कूल में, क्लास में ले गए। तो उन्होंने जाके हमारे मास्टर जी को कहा, मास्टर जी इसको आज कुछ मत कहना, तो ये कल से रेगुलर आया करेगा आपकी क्लास में। तो मास्टर जी ने मेरी तरफ देखा, कहते ये मेरी क्लास में है, इसको देखा मैंने पहली बार है, मैं कभी क्लास में गया ही नहीं था। लेकिन बुरी बात है, मतलब बंक नहीं मारना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बस ये था बचपन। लेकिन अच्छा लगता है, ये तो बचपन की शरारतें हैं, तो ये भी बहुत अच्छी सी मेमोरी हो जाती है। मुझे लगता है जैसे आप हंसी मजाक करते हैं, आपके घर में भी सब लोग खूब इंजॉय करते हैं हंसी मजाक? हाँ, मेरी मदर थी ना जो मेरे बीजी थे, वो भी निकल जाता था ऐसे करके बातों बातों में, कोई ऐसी बात हंसी की बात या मजाक की बात या कुछ ऐसा हो जाता। मुझे याद है एक बार मेरे बाऊजी ना कटिंग करवा के आए थे, बाहर से कटिंग करवा के आए, तो उन्होंने बोला कहाँ गए थे, कहते बाहर कटिंग करवाने गया था। कहते कितने पैसे ले लिए, वो कहते 10 रुपए ले लिए। कहते हैं 10 रुपए, सर तो आपका छोटा सा है, पैसे ज्यादा नहीं ले लिए। ऐसी बातें होती रहती थी छोटी छोटी, इस तरह के किस्से बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ जी। और जैसे कि अभी आप कोई शरारत करते हो तो उस समय भी क्या आपको कुछ पनिशमेंट मिलता था? पनिशमेंट तो मतलब स्कूल में तो नहीं मिलता था, क्योंकि मैं एंटरटेनर था। अच्छा। जो मेरे टीचर थे मेरे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि मैं गाने गुने सुनने का या प्ले वगैरह करने का हंसाना, मतलब मैं हंसाता रहता था उनको, तो मेरे को स्कूल से कभी निकाला भी नहीं, पास भी इसलिए कर देते, खुश होके चलो यार ठीक है ऐसा करके। तो गोपी जी, आपने गाने की बात करी तो एक गाना गुनगुना ही दीजिए जो आपको पसंद हो। क्या बात है, इसको थोड़ा सा पूरा ही कर दीजिए एक लाइन। तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है, तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है, ¶¶
सफर को ढूंढता है, तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है। जैसे है रंग भू मुझको छुपा ले आंखों में तू, फूलों में जैसे है रंग भू मुझको छुपा ले आंखों में तू, मेरा दिल तड़प तड़प कर दिल भर को ढूंढता है, तेरे घर को ढूंढता है, जिस नजर पे दिल फिदा है उस नजर को ढूंढता है, उस नजर को ढूंढता है, उस नजर को ढूंढता है। गोपी जी, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि कॉलेज की पढ़ाई आपने कहाँ तक करी? या कॉलेज तक तो पहुंचा नहीं मैं। अच्छा, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे शिक्षा के मेरी एजुकेशन के बारे में ना ही पूछो तो ज्यादा अच्छा है। मतलब ऐसा करके बहुत ही मतलब पैदल रहा मामला एजुकेशन के मामले में, क्योंकि मैं इतना ज्यादा नहीं पढ़ सका। जो बताया भी बचपन से ही मुझे एक्टिंग का शौक था, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी था। मैं भी अपने जो मेरे सुनने वाले हैं उनको, पढ़ाई बहुत जरूरी है। अभी जो कुछ चीजें प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में वो पढ़ाई की वजह से भी आती हैं, पढ़ना बहुत जरूरी है। जो आपने जो आज किया है, जो हम लोगों के दिलों पे आपने राज किया, ये बहुत बड़ी बात है गोपी जी। शुक्रिया शुक्रिया। और श्रोताओं, आपको ये बता दें कि गोपी जी जितने अच्छे कलाकार हैं उतने अच्छे इंसान भी हैं, बड़े नेक दिल हैं और सबके दुख सुख में शरीक होने वाले और बड़े प्यारे से गोपी जी हैं। तो हम गोपी जी से अगला सवाल यही करेंगे कि भाई गोपी जी, आप ये बताइए कि अभिनय की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ, कैसे आप आगे बढ़े? और नाटक तो आप पहले करती थी आपने बताया, उसके बाद जो आपने ये फिल्म लाइन की जो जर्नी शुरू करी वो कैसे शुरू करी? वो शुरुआत मैं 81-82 में मुंबई आ गया था, तो यहाँ के मतलब स्ट्रगल तो बहुत की मैंने। मेरी जो शुरुआत हुई थी वो आरटीबीसी एक रेडियो टीवी कमर्शियल कोलाबा में, तो वहां पे हम रेडियो प्रोग्राम करते थे, मनोहर महाजन। अच्छा, अच्छा, और किशन भोटानी जी ये सब थे। पहली बार मैंने अमीन सयानी जी को वहां पे देखा था मैंने, तो वहां पे प्रोग्राम था किस्सा तोता मैना। अच्छा, पंजाबी प्रोग्राम था वो, जलंधर से ब्रॉडकास्ट होता था वो, तो उसमें मैं तोता बनता था और सुधा चोपड़ा एक सीनियर एक्टर हैं बहुत पुरानी, मतलब वो मैना बनती थी, वो आजकल शायद अमेरिका में है। तो किस्सा तोता मैना, वहां से मेरी शुरुआत हुई ये रेडियो की जो भी हुई। तो मैंने काफी साल काम किया, फिर मैंने वो करते 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 फिर मेरी मुलाकात हो गई जसपाल भट्टी जी से, हमारे पंजाब के बहुत बड़े अच्छे एक्टर थे वो, सरदार जी जसपाल भट्टी साहब। तो उन्होंने फिर उनके साथ एक प्रोग्राम आते थे नेशनल टीवी पे, उल्टा पुल्टा फ्लॉप शो ऐसा करके, उनके साथ मैं जुड़ गया, उनके साथ मैंने काफी काम किया, उनसे सीखा भी बहुत कुछ। तो वो मेरी शुरुआत हो गई मतलब एक्टिंग की ऐसा करके। जसपाल भट्टी जी काफी जोक्स वगैरह करते रहते थे, आप भी क्या कुछ हंसी मजाक के फुहारे छोड़ते हैं? हाँ, कभी कभी हो जाता है ऐसा करके। मुझे याद है जसपाल भट्टी जी माडा इलैंड में शूटिंग कर रहे थे, तो उनका कॉल आया मुझे, तब तो ये मोबाइल में नहीं होता था मेरे पास, मैं ये नया नया घर लिया था स्मिता ज्योति में 11th फ्लोर पे, तो लिफ्ट नहीं लगी थी। तो कहते यार मेरा बिरयानी खाने को मन करता है, मैं कहा जी तो कैसे आएंगे आप, लिफ्ट तो है नहीं। कहते एक काम करना, ऊपर से ना छिक्कू कहते हैं, क्या कहते हैं, रस्सी से बांध के, रस्सी से बांध के कुएं के जो पानी भरते हैं उस तरीके का, वैसे ऊपर छोड़ना, मैं यहाँ से लेके चला जाऊंगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है गोपी जी। और इसी तरह बहुत सारी यादें होती है जीवन में, तो इसके अलावा आपके अभिनय के अलावा और क्या क्या शौक थे? शौक हैं, हाँ शौक हैं अभी भी। मैं खाने पीने का बहुत शौकीन हूँ मैं, मतलब जो घर में होता है पंजाबी खाना, पंजाबी गोभी के पराठे, आलू के पराठे, दही के साथ ऐसा करके, सरसों के साग, मक्के की रोटी। तो मौसम आ गया है जी, जी, अभी परसों ही घर पे बना था सरसों का साग और मकई की रोटी और व्हाइट मक्खन जिसको सफेद मक्खन और लस्सी ये सब, लेकिन घर का माहौल पंजाबी रखा हुआ हमने खाने पीने का। तो जो मेरी वाइफ है वो है
हजारीबाग से हैं, बिहार से हैं। अच्छा, हाँ। तो यानी कि आपको एक तरफ पंजाब का बढ़िया व्यंजन मिलता है स्वादिष्ट खाने को, और बिहार का भी मिलता है, है ना? नॉनवेज भी बहुत अच्छा बनाती हैं वो। जी। मेरे इन लॉज वगैरह सब बहुत अच्छे हैं, वो नेवी में थे, मेरे फादर इन लॉ थे बड़ा। जी, 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 जी। और चलो बता भी देता हूँ, लव मैरिज हुई थी हमारी। अरे वाह, तो अच्छी बात है, बताना भी। और कभी कभी आप अपना रसोई में भी हाथ साफ करते हैं? बर्तन साफ नहीं करता हूँ मैं, मतलब बनाने किचन। आपने बोला ना हाथ साफ करना, बर्तन साफ करने की शायद मेरे बात। मैं दाल वगैरह बना लेता हूँ, चावल वगैरह बना लेता हूँ। तो मैंने वाइफ को बोला था, मैं कहा मेरे को ना सिर्फ आटा गूंथना मत बोलना और बर्तन घासने के लिए मत बोलना, बाकी मैं सारी हेल्प कर दूंगा। हेल्प करता भी हूँ मैं अपनी वाइफ की, ऐसा मैं एज ए वाइफ नहीं उसको एज ए दोस्त बना के चलता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो और गोपी जी, फिल्मी जो चमक दमक की ओर आपके कदम जो बढ़े, तो कब किस साल आपने एक्टिंग की नगरी यानी मुंबई में जो प्रवेश किया, या इससे पहले आपने इसकी बाकायदा ट्रेनिंग ली, कहीं से कोर्स किया? नहीं, ट्रेनिंग मैंने, हाँ, यहाँ आके मैं मुंबई में आके ना इप्टा से जुड़ गया था, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन। तो अंजन श्रीवास्तव जी और अपना अरुण बख्शी, काफी एक्टर थे जो हम इकट्ठे काम करते थे। मेरा पहला प्ले था बकरी। अच्छा। सरदयाल सक्सेना जी का था। जी जी। कोई बड़ा रोल नहीं था उसमें, मेरा छोटा सा रोल था। मतलब शुरुआत मेरी जो हुई पृथ्वी थिएटर से, यहाँ से हुई। तो फिर सफेद कुंडली शवाना आजमी जी के साथ काम किया मैंने, सफेद कुंडली प्ले था, और उसके डायरेक्टर थे एम एस सत्यू, और उनके वो तीन चार प्ले किए मैंने। फिर उसके बाद पंजाबी थिएटर मैंने काफी किया मुंबई में, यहाँ पे सागर सरहदी साहब का एक वो था नाटक टोली करके, तो उसमें हम काम कर, सागर सरहदी शायद मैं बता दूं आपको, उन्होंने बाजार फिल्म बनाई थी बहुत अच्छी, सुमिता पाटिल थी उसमें, फारूक शेख थे, बड़ी अच्छी फिल्म बनाई थी उन्होंने। बाजार बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, गाने भी बहुत अच्छे थे। देख लो आज हमको जी भर के, बहुत अच्छा गाना था। यही गाना आप गुनगुना दीजिए, हम श्रोताओं को भी सुना देंगे ये गाना। मैं आपने ऐसे ना करूंगा, मैं बोलती रहा करूँगा। देख लो आज हमको जी भर के, ओह।
गोपी जी, आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो यकीन है कि आपने पंजाबी फिल्में वहाँ पर जरूर की होंगी, तो आपकी पहली पंजाबी फिल्म जो थी वो कौन सी थी और उसमें कौन से प्रमुख कलाकार थे, इस फिल्म के बारे में कुछ बताइए। और मुझे जहाँ तक पता है कि आपको इस फिल्म में अवार्ड भी मिला था। जी जी, ये फिल्म थी पंजाबी की मड़ी दा दीवा। जी, ये NFDC ने प्रोड्यूस की थी, ये प्ले किया था एक्चुअली हमने पृथ्वी थिएटर में। मड़ी दा दीवा जो सागर साहब का मैं बता रहा था ना, सरदी साहब, उन्होंने प्रोड्यूस किया था। तो डायरेक्टर देखने आए थे, वो फिल्म बनाना चाह रहे थे, इसके ऊपर जो मैं प्ले में रोल करता था वही रोल के लिए मुझे उन्होंने बुलाया। जी। ये फिल्म थी मड़ी दा दीवा, इसमें थे ना राज बब्बर, दीप्ति नवल मेरी वाइफ बनी थी, जी, जी। तो मेरी हीरोइन कह सकता हूँ, और पंकज कपूर जी थे, कमल जी जी थे। तो ऐसा ऐसा करके ये फिल्म रिलीज हुई, तो फिर कुछ दिनों के बाद मुझे न्यूज मिली भी इस फिल्म को, मेरी पहली पंजाबी फिल्म को, मतलब मुझे खुशी हुई, नेशनल अवार्ड मिला और मुझे इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का भी अवार्ड मिला था। इसके लिए तो आपको अभी बधाई दे देते हैं। थैंक यू, शुक्रिया जी। और मैंने पंजाबी की काफी फिल्में की हैं, मैंने 22 पंजाबी की फिल्में की हैं मैंने जी। तो उसमें जसपाल भट्टी जी की माहौल ठीक है और काफी पंजाबी फिल्में, अभी मेरी इस साल मतलब 2023 में एक ही साल में मेरी दो फिल्में रिलीज हुई हैं। अच्छा। पंजाबी की एक निशाना और एक उपासना सिंह ने डायरेक्ट की थी, यारां दियां पौं बारां, अभी चल रहा है। और भी उपासना सिंह भी बहुत अच्छे कलाकार है, और जी, आपके जी, साथ मैंने देखा है उनकी बहुत अच्छी सी ट्यूनिंग रहती है। बहुत बहुत, हमारा बहुत अच्छा ट्यूनिंग आपस में, रैपो बहुत है, जब क्या ना कॉमेडी में गिव एंड टेक वाली बात होती है तो वो भी बहुत अच्छी। हाँ, वो भी बहुत अच्छी कॉमेडी भी करती है और बाकी रोल्स भी बहुत अच्छे से निभाती है उपासना सिंह जी। तो ये जो मड़ी दा दीवा है, इसका अर्थ क्या होता है? ये होता है मड़ी दा दीवा, मड़ी मतलब समाधि जी, समाधि का दिया जी, उसको हिंदी में कहते हैं समाधि का दिया। ये एक्चुअली नॉवल था एक जी, जी। पंजाब के बहुत बड़े राइटर हैं गुरदयाल सिंह जी, नॉवल से इसको फिर उसमें अडप्ट करके प्ले बनाया गया, प्ले से फिर फिल्म बनी ये मड़ी दा दीवा। अच्छा। और ये किसी कॉलेज में चैप्टर लगा हुआ है, किसी को अच्छा किसी को पढ़ाया जाता होगा ये। हाँ, हाँ, ओके, ये उसमें है ऐसा। तो जो दीप्ति नवल के संग आपका जो सीन था, जो आपकी वाइफ बनी थी, आप रूम के अंदर का था, वो खिड़की पे शायद बैठी हुई थी और आप कुछ डायलॉग बोल रहे थे, तो क्या आपको वो आज भी याद है डायलॉग वाले कुछ? हाँ, इसमें ये दिखाया था, मैं बड़ा मतलब सिंपल सा बंदा हूँ, मतलब ऐसा करके ये थोड़ी मतलब अच्छी होती है, पढ़ी लिखी दिखाया दीप्ति नवल को, और राज बब्बर एक किसान दिखाया है, वो थोड़ा सा कुछ चीज को लेके मेरी और राज बब्बर जी, मतलब जो जगसीर का रोल करते थे इसमें, उसमें थोड़ा सा मतलब लड़ाई झगड़ा फाइट वाइट होती है, गांव वाले आ जाते हैं ऐसा करके, मतलब उसको ऐसा लगता है कि कुछ समथिंग इज रॉन्ग, दीप्ति नवल और राज जगसीर और पानो नाम था इसका पंजाबी, तो झगड़ा हो जाता है। तो फिर उसके बाद इसको मैं डांटता हूँ, अगले दिन तो ठीक हो ही जाता है ना, बीबी से झगड़ा हो जाता है तो अगले दिन हो ही जाता है ऐसा करके। तो जो सीन आप बता रही हैं वो अगले दिन का था, झगड़ा होने के बाद का। तो वो रूट के बैठी है, तो मैं पूछता हूँ, पंजाबी में बोलूँ हिंदी में बोलूँ? पंजाबी में बोलिए। वो पूछता के पानो बेबे कित्थे आ, वो कहती मैनू की पता है, मैं कहा सारा पिंड तो मैंने पूछता रहता, निक्का सिंह, निक्का सिंह कितने है, कहती हाँ तू भांडे चंगी तरह मांज लेना ना, इस करके भी बर्तन बर्तन मांज ऐसा करके। ये सीन था, बड़ा अच्छा सीन था, मैंने देखा उसको, थोड़ा अच्छा लगा था। लेकिन मंजरी जी बहुत मजा आया काम करके मुझे, क्योंकि दीप्ति नवल जी खुद अपने आप में बहुत ही अच्छी कलाकार, बहुत सपोर्टर है, वो बहुत सपोर्टिंग किया उन्होंने, मतलब मैं तो नया था उस टाइम पे, दीप्ति नवल जी ने तो कितना काम किया है, राज बब्बर जी ने कितना काम किया है, पंकज कपूर जी ने कितना काम किया है। जब पंकज कपूर जी से मेरी पहली मुलाकात हुई, कहते यार बड़ा कड़ाके रोल है ये जो निक्का सिंह मैं बना था ना, उसने बहुत अच्छा मेरे को सूट करता था वो करेक्टर, मतलब सबने मतलब मुझे बहुत प्यार दिया, राज बब्बर जी ने, दीप्ति नवल जी ने, पंकज कपूर जी ने और कमल जी जी ने, हमारे डायरेक्टर भी सुरेंद्र सिंह। नहीं, आप हैं ही ऐसे कि आपको सभी का प्यार मिलना भी चाहिए, तो बड़ा अच्छा लगा ये किस्सा सुनकर के आपका। तो गोपी जी ये बताइए, इसके बाद जब आप हिंदी फिल्मों की तरफ आप आए, कौन सा वो साल रहा होगा इस फिल्म इंडस्ट्री में, किस समय आपने एंट्री करी? हाँ, वो तो मैंने बता चुका हूँ आपको, 82 में मैं आ गया था, लेकिन जो हिंदी फिल्म की शुरुआत थी मेरी, मेरे साथ ये बड़ा हुआ है, मतलब इंसिडेंट कह लें या क्या कह लें, एक राजेंद्र सिंह बेदी जी का नॉवल था, एक चादर मैली सी। हाँ जी। तो बहुत मतलब काफी अच्छा नॉवल लिखा गया था, तो उसके ऊपर प्ले बनाया गया था, एक चादर मैली सी, पंजाबी में कहते एक चादर अधो रानी, पंजाबी में प्ले था ऐसा करके, चादर मैली सी, उसको डायरेक्ट किया था अमृतपाल जी ने, और उसमें रमा विज थी जी, और दीप ढिल्लों थे, काफी अच्छे मतलब करेक्टर थे उसमें, तो वो हो गया प्ले वगैरह हो गया, अच्छा चला गया। लेकिन उसके बाद इसके ऊपर फिल्म बनी एक चादर मैली सी। हाँ जी। इसको डायरेक्ट किया था सुभाष डड्डा जी ने, लेकिन जब मुझे पहली बार पता चला भी मैं उस फिल्म का पार्ट बनने जा रहा हूँ, मतलब तो मैं तो इतनी बड़ी कास्ट, मतलब ऋषि कपूर जी थे उसमें, मेरा जो सीन थे ऋषि कपूर जी के साथ ही था, मुझे याद है वो सीन, एक सीन था खेत के पास, खेतों में हम खरबूजे तोड़ने जाते हैं, खरबूजे तोड़ने जाते हैं चोरी, तो वहां पे पकड़े भी जाते हैं ऋषि कपूर
दूर भाग जाते हैं, वो जो मालकिन होती है, शमी जी ने रोल किया था, वो लेडी शमी आंटी कहते थे उनको फिल्मों में, तो फिर डंडे से मेरी बहुत पिटाई करती है, वो सीन था मेरा और ऋषि कपूर का। शूटिंग के दौरान वो जो खरबूजा आप लोग तोड़ रहे थे तो वो खा रहे थे, तो पूरा खा लिया था उन्होंने? नहीं नहीं, मैं आप पत्ते खोलूंगा सारे आज। वो एक्चुअली वो मौसम ऐसा था, खरबूजे का मौसम नहीं था, तो उन्होंने हमें कद्दू पकड़ा दिया। अच्छा हाँ जी, जो क्या घिया कहते हैं, लौकी कहते हैं, कद्दू। वो डायरेक्टर कहते यार ये खाओगा क्या, ये कद्दू कैसे खाएंगे हम यार। वो कहते दिखाना खरबूजे का तो मौसम है नहीं, क्यों डालो ये बोले, उससे पहले सीन चला गया था भी, खरबूजे तोड़ते पकड़ा गया ऐसा करके सब। तो वो हम कद्दू खा रहे थे बैठ के ऐसा करके। क्या बात है, बड़ी कच्चा कद्दू खाने में भी क्या मजा आया, बहुत मजा आया फिल्म में। ऋषि मतलब जितने बड़े एक्टर थे ना, वो इतनी बड़े इंसान थे। कुलभूषण खरबंदा जी, हेमा जी, हेमा मालिनी जी के साथ ऐसा करके सब, बहुत मजा आया था उस फिल्म में भी काम करके। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार थे उस फिल्म में, और ऋषि कपूर या हेमा मालिनी जी, उनकी तो हम सभी फैन ही हैं। माशेराले माजोताले मा मेरा वाले मालाटा वाले ऋषि कपूर जी के साथ मैंने दो फिल्में की, एक और आई थी मेरी पहला प्यार ऋषि कपूर तब्बू, और कादर खान जी के साथ मेरा रोल था उसमें, वो ट्रक ड्राइवर होते हैं, मैं क्लीनर होता हूँ। जी जी हाँ, पहला प्यार उसको डायरेक्ट किया था मनमोहन सिंह जी ने जी। कादर खान के साथ जी भी तीन फिल्में की हैं मैंने। अच्छा,
पहली फिल्म थी मेरी मेरा दिल तेरे लिए जी, ये साउथ की फिल्म थी। इसमें ममता कुलकर्णी हीरोइन थी, उसमें मैं इंट्रोड्यूसिंग था, इंट्रोड्यूसर गोपी भल्ला। अच्छा। तो उसके बाद फिर काफी हिंदी फिल्में की, छोटे छोटे रोल किए, लेकिन ये जो बड़े बड़े रोल थे ये थे। और कादर खान साहब बहुत प्यार करते थे मुझे जी। कादर खान जी तो बहुत अच्छी कॉमेडी भी करते थे और लिखते तो बहुत ही गजब का थे, और आपने जरूर उनसे कुछ ना कुछ तो सीखा। बहुत कुछ सीखा है, वो अपने आप में स्कूल थे। एक सीरियल था हंसना मत, स्टार प्लस पे आता था ये हंसना मत, तो उसमें मुझे बुलाया गया। मतलब फिर टाइमिंग ऐसी होगी उनके साथ, मतलब ऐसा करें, उन्होंने डायरेक्टर को बोल दिया यार गोपी को बुलाया करो तू मेरे साथ ना, जो मेरे सपोर्टर है ना। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली, कहते यार मैं अकेला कादर खान कुछ नहीं कर सकता जब तक मेरे सपोर्टर अच्छे नहीं होंगे, एक्शन रिएक्शन वाले। कहते तू मेरे को बहुत लेट मिला यार। अच्छा। कहता जैसे अभी मेरे साथ असरानी ने कितना काम किया, शक्ति कपूर ने कितना काम किया, जो उस वक्त तुम मिला होता तो तुम्हें भी अच्छे रोल मिलते, ऐसा करके। तो उन्होंने किस्सा बताया, कहते मैं जब अमिताभ बच्चन की फिल्में लिखता था, डायलॉग लिखता था, तो मैं डायलॉग टेप करके भेजता था बच्चन साहब को, भी ऐसे बोलना है इसको। अच्छा। तो फिर बच्चन साहब सुनते थे, फिर वो बताते थे भी ये ठीक है कादर भाई। तो ये इतने बड़े राइटर थे, इतने अच्छे एक्टर थे, इंसान तो कमाल ही थे, कमाल के थे, बिल्कुल सही बात है, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है जी। तो कादर जी का भी कोई डायलॉग आपको बहुत याद हो जो? नहीं, कादर खान जी तो कॉमेडी था, लिखते रहते, इतने बोले उन्होंने डायलॉग, मतलब मैं यही कहूंगा बहुत अच्छे राइटर थे वो जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो गोपी जी यहाँ पर हम फिर आपसे एक गाने की फरमाइश कर ही लेते हैं। बोलो ना, गा के सुनाओ। हाँ बिल्कुल। अच्छा हाँ ठीक है, गा के सुनाइए। जी जी। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। क्या बात है, बहुत ही सुरीला आपने गाया गोपी जी। तो बस हम अपने श्रोताओं को यही गीत सुनाएंगे। शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर हसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। शायर तो नहीं मगर हसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं मगर तुझको, मुझको आशिकी आ गई। मैं शायर तो दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर हसी जब
से देखा मैंने तुझको मुझको दोस्त दिया गई शायर तो नहीं इबादत मैं करने लगा मैं काफिर तो नहीं मैं काफिर तो नहीं मगर हसीन जब से देखा मैंने तुझको मुझको बंदगी तो गोपी जी हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो फिल्मी सफर है या आपने इस टीवी की दुनिया में कदम रखा तो यहाँ पर काम करना जो है वो उतना आसान नहीं होता बड़ा संघर्ष का समय रहता है तो आपके जीवन में भी अवश्य ही संघर्ष के दिन रहे होंगे बहुत ज्यादा संघर्ष रहा है तो जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ आपके साथ एजुकेशन नहीं थी मेरी बिल्कुल भी मतलब कम थी जो कि बहुत जरूरी थी मतलब 2-3 साल तो काम ही नहीं मिला यहाँ पे क्योंकि कुछ पता ही नहीं था क्योंकि मैं सीख के नहीं आया था बिल्कुल आजकल जैसे इतने स्कूल खुल गए एक्टिंग हाँ, हर जगह मिल गए तो ऐसा करके मतलब संघर्ष तो ऐसा था भी बहुत ज्यादा संघर्ष किया है क्योंकि गोपी जी यहाँ पर जब इस लाइन में आते हैं तो बड़े प्रोड्यूसर के ऑफिस में बड़े चक्कर लगाने पड़ते हैं धक्के खाने पड़ते हैं है ना तो इस तरह की समस्याएं बहुत आ जाती बहुत ज्यादा स्टूडियो में घुसने नहीं देता था कोई बिल्कुल फोटो छोड़ जाओ ये तो बहुत झेला है पैदल बहुत चला हूँ मैं मतलब साइन कोलीवाड़ा में रहता था तो किराया भी नहीं होता था बस में जाने के लिए किसके जाने के लिए अंधेरी स्टेशन से तो मैं कितनी बार अपना फिल्म वाला स्टूडियो गया हूँ तो संघर्ष तो बहुत रहा लेकिन एक जुनून होता है लेकिन हाँ, संघर्ष के पीछे लेकिन ये था मैं क्या कुछ बनना है मैं एक्टर बनूंगा और मेरा ये भी था जब तक मेरी पहली फिल्म रिलीज नहीं हो जाती मैं अपने शहर नहीं जाऊंगा क्या बात है ये जो आपने इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई तो उसका नतीजा है कि देखिए आपकी मेहनत कितनी रंग लाई है ना हाँ क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ नेशनल टीवी होता था कोई चैनल था नहीं हाँ, कोई उस तो बाद में अगर कोई फिल्म वाला भी ना कर देता था भी इस फिल्म में तो रोल है नहीं मतलब एक साल रुक जाओ आप कहने का मतलब ये था डीडी के वहीं पे काम मिलता था छोटे छोटे रोल मिलते थे लेकिन संघर्ष बहुत ज्यादा था आज ये चीजें नहीं है आज क्या है ना मैं देख रहा हूँ जहाँ भी काम कर रहा हूँ बच्चे सीख के आते हैं कोई भी फील्ड मतलब चाहे अपना एडिटिंग हो चाहे डायरेक्शन हो चाहे कैमरामैन हो चाहे कुछ हो अब मैं शूटिंग करता हूँ सारे जितने भी बच्चे थे बकायदा सीख के आए हैं वो जितने भी मेरे को सुनने वाले मैं यही कहूंगा जो भी आप फील्ड में आना चाहते हैं सीख के आइए बकायदा और ये मत सोचिए भी अगर मैं एक्टिंग में नहीं सक्सेस हुआ हूँ तो और भी फील्ड है आप उसमें भी जा सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ एक्टिंग ही करनी है और भी है उसमें जा सकते हैं बस यही है आप अभी प्रॉपर सीख के आइए इस फील्ड में काम बहुत है गोपी जी इसी चीज को अगर आप FIR के डायलॉग के अंदाज में अगर बच्चों को कहना चाहेंगे तो
कैसे कहेंगे? मेरे तो डायलॉग मतलब ऐसे ही बन जाते हैं, बिल्कुल वही है, बच्चों को मैं पूछ लेता हूँ, बच्चों को पूछ लेता हूँ, व्हाट इज द नेम इज द कांदीवली में ट्रैफिक जैम इज द क्या बात और ये एक बच्चों में काफी मशहूर वायरल, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में और प्रॉब्लम इज द, ये सब सारी जी छोटे छोटे बच्चे भी मुझे याद है गोपी जी की, जब ये आपके डायलॉग सुनते थे उनकी माँ खाना खिला रही लेकिन वो पूरे उसमें दौड़ दौड़ के कमरे में वो डायलॉग बोले जा रहे हैं और खाना खा रहे हैं, बड़ा मजा आता था वो चीज देख के। मंजीत जी मैं पहला एक्टर था जिसके डायलॉग की रिंगटोन बनी थी जी जी, और दुबई में एक रेस्टोरेंट में मेरे नाम की डिश बनी थी गोपी, FIR ऐसा करके सब है। अरे वाह, FIR के जो डायलॉग थे अमित आर्य ने लिखे थे, बड़े मतलब एक ऐसी कॉमेडी थी आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, कोई डबल मीनिंग कोई वल्गैरिटी नहीं, बड़ी साफ सुथरी कॉमेडी होती थी उसमें, इस करके मैं बच्चों में और लड़की में बहुत फेमस हूँ, हसीनों का देवता कहते थे डायलॉग देवता। और आप काफी सब जगह बुलाए जाते हैं, इन्वाइट किए जाते हैं इवेंट्स वगैरह में, जैसे आप कॉलेज में भी इनवाइट किए गए, HR कॉलेज है चर्च गेट में मुझे बुलाया था, बच्चे इतने खुश हो गए देख के, मतलब बहुत ज्यादा लोगों का मंजीर जी इतना प्यार मिलता है जहां भी जाता हूँ मैं, ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इतना कुछ दे दिया, मतलब अभी कोई ऐसे नहीं अभी नहीं ये चाहिए वो चाहिए कुछ नहीं चाहिए, दो दो फ्लैट हो गए, आपको तो कुछ नहीं चाहिए लेकिन हम सारे जो आपके फैन हैं दर्शक हैं उनको तो बहुत कुछ चाहिए आपसे, बस यही आपकी विशेष चाहिए मुझे जो मेरे सुन रहे हैं, आप ऐसे मुझे प्यार करते रहिए मैं आपको ऐसे ही हंसाता रहूंगा। तो फिलहाल तो हंसाने के साथ साथ एक गीत हो जाए। हाँ हाँ हाँ, सुनाई दीजिए। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, ये बहुत अच्छा गाना लगता है मुझे, वाकई बहुत प्यारा सा ये गीत है। अरे हे ला 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 मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए, दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए, अब आठ पहर इन आंखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, पर उसकी एक झलक को हम है हुस्न के मालिक तरस गए, कब प्यास बुझेगी आंखों की दिन रात ये दुखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। ये बताइए गोपी जी, स्ट्रगल के दौरान आपको किसी का सहयोग मिला या नहीं मिला? जी जी जी, मेरे शहर के ही थे एक दर्शन सिंह जी, पंजाब एंड सिंध बैंक में थे वो,
तो मैं 500 रुपया लेके आया था पंजाब से जब मैं आया था बॉम्बे मुंबई, तो दादर स्टेशन पे उतरा तो मटुंगा में एक ब्रांच है उनकी खालसा कॉलेज के बाजू में पंजाब एंड सिंध बैंक, तो वहां गया टैक्सी वाले ने तब 5 रुपए लिए थे। अच्छा, उस समय 5 रुपए भी बहुत होते थे। तो उनका घर था साइन कोलीवाड़ा में दर्शन सिंह जी का, तो उनके पास मैंने बोला मैं 1-2 महीने रहूंगा उसके बाद मैं अपना इंतजाम कर लूंगा। कहते ठीक है कोई बात नहीं। और भी 2-3 बंदे साथ में रहते थे, जसवंत सिंह जी थे, वो भी 40 साल के बाद उनसे मेरी बात हुई फोन पे 40 ईयर के बाद। तो मेरे पास नंबर नहीं था, दर्शन जी ने नंबर दिया, दर्शन सिंह ने, एक सहगल करके थे एक और थे, तो उनके मैंने बोला 10-20 दिन में कर लूंगा, लेकिन मैं 1-2 साल तक टिका रहा वहां पे, मतलब अच्छा। होता ही नहीं था, लेकिन उन्होंने भी मेरी काफी हेल्प, बहुत ज्यादा हेल्प किया, दर्शन सिंह, जसवंत सिंह, सहगल साहब, ये सब बहुत अच्छा। और जो उस समय हेल्प करते हैं इस तरीके की, तो वो जिंदगी भर हमें याद रह जाते हैं। जी जी, याद रखना भी चाहिए जिन्होंने जिंदगी में काम आए हैं आप सब लोग। और उन दिनों आप जैसे कि आप पैदल चलते थे लोकल ट्रेन में, जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन काफी फेमस है, उसके धक्के भी खाने पड़ते हैं बस में भी, तो उस समय क्या लगता था आपको जब आप सफर करते थे तो? हाँ, बसों में तो इतने हैं, मतलब मैं याद है मुझे, मैं मीटर रोड में रहता था, रेंटल किराए पे रहता था मैं, जब मैं घर से निकलता था ट्रेन में एंड परफ्यूम वगैरह मार के निकलता था, जब ट्रेन में चढ़ता था, जब उतरता था कुछ और ही स्मेल आती थी अंदर में से, मतलब ऐसा अगर इतनी भीड़, विरार की ट्रेन में चढ़ना मतलब जंग जीतने वाली बात होती थी, वो सब है, वो स्ट्रगल चलता रहा। मैं पंजाबी फिल्म करने गया अपना, जहां से एक टर्नओवर आया मेरी लाइफ में, अमेरिका में गया मैं यूएस में पंजाबी फिल्म की शूटिंग करने, वहां से मैं वापस आया, जो मैं जिक्र कर चुका हूं मड़ी दादी, इसमें असिस्टेंट थे इंद्रजीत जी, जी। तो उन दिनों एक सीरियल आता था अमानत, हाँ जी, उसको टीवी का कोहिनूर कहा जाता था, मतलब खिताब दिया गया था टीवी का कोहिनूर, ट्रॉफी भी पड़ी है घर में, उसका आपको अवार्ड भी मिला था। हाँ जी, तो तब ना ये मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, लैंडलाइन एक स्लिप आती थी कम्युनिकेशन सेंटर से भी, आपको इनको कांटेक्ट कर लो, वो 1 रुपया लेते थे मैसेज का। हाँ। तो उनका मैसेज आया भी इंद्रजीत को कांटेक्ट करो, तो मैं उनको फोन किया जाके पीसीओ से, वो कहते यहाँ भाग्य लक्ष्मी बंगला है जोगेश्वरी में, यहाँ शूटिंग होती है अमानत की, तुम्हें मिलो आके। संजीव भट्टाचार्य उसके डायरेक्टर थे, उसमें ग्रेसी सिंह मेन लीड में थी, 7 बहनों की कहानी थी, सुधीर पांडे जी और भरत कपूर जी थे उसमें। मैं गया वहां पे, तो उन्होंने बोला यार ऐसे कि 2 बुआ हैं इसमें, लता है यार कविता वैद, 2 बुआ हैं, उनमें छोटी बुआ के लिए आपको एक लड़का है देखने आता है, ऐसा करके 2 एपिसोड की कहानी है, करोगे? मैं कहा हाँ हाँ क्यों नहीं करूंगा, मेरे को तो काम चाहिए था। बिल्कुल, और क्या। तो 2 एपिसोड जब शूटिंग हो गई हमारी, तो पहला एपिसोड आया तो मुझे संजीव भट्टाचार्य का कॉल आया, कहते भाई कोई और काम पकड़ लेना। हाँ जी। मैं क्या हुआ? कहते चैनल में हंगामा हो गया है। अच्छा। तो ये लड़का कौन है? टीटो सिंह उसमें नाम था मेरा, टीटो सिंह, टीटो सिंह वो करेक्टर बहुत हिट हुआ। तो उसके बाद आप यकीन करेंगे मंजरी जी, मैं 2 एपिसोड के लिए मुझे बुलाया था, मैंने उसके 65 एपिसोड किए थे। क्या बात है, इतना करेक्टर हिट हो गया था वो। तभी मैं ट्रेन में जाता था, जब लोग देखते थे अरे टीटो सिंह, अरे तुम ट्रेन में क्या घूम रहे हो यार, गाड़ी वाड़ी में घूमा करो, अब तो पैसे मतलब उस समय आपको इस करेक्टर को करने से बहुत पहचानने लगे थे, जहां भी खड़ा होता टीटो सिंह, टीटो सिंह, बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे कोई पहचानता है ना। बहुत बहुत बहुत, लेकिन ऑटोग्राफ भी लेने आते थे लोग? नहीं, और भीड़ इतनी होती थी, ये इतना क्वेश्चन करते थे यार तुम ट्रेन में क्या कर रहे हो। अच्छा। ऐसा करके सब है। पर जो सबसे बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आया FIR। हाँ, वो तो बहुत ही, इसने तो रातों रात, मतलब जो तो कहना छप्पड़ फाड़ के मिलती है कोई चीज ना। जी जी जी, ऐसा हुआ इससे। वो तो बहुत, 10 सालों तक वो चला सीरियल, और सारे कलाकारों ने उसमें बहुत अच्छा काम किया। और हमारा अपना मंजिर जी फैमिली जैसा होता था सेट पे, कविता कौशिक भजिया बना रही है, बेलपुरी बन रही है, मतलब चंद्रभुखी चौटाला जो बनती थी, की अपना संदीप आनंद और आमिर अली, ये सब काम करते थे, फैमिली जैसा माहौल था वहाँ पे, ऐसा करके। और वहाँ पर भी आप गाने वाले को गुनगुनाया करते थे, सुनाया करते थे कविता जी को? कविता जी को, हाँ, कविता भी गाती थी यही गाना मैं भी गाया करता। तो फिर हो जाए, आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा, काली काली घटा डर रही है, ठंडी आहें हवा भर रही है। क्या बात है, बहुत ही प्यारा आपने ये गीत गाया। बड़ा बेईमान है
हुआ है हुआ कुछ नहीं, क्या हुआ है हुआ कुछ नहीं है, बात क्या है पता कुछ नहीं है, मुझसे कोई खता हो गई तो इसमें मेरी खता कुछ नहीं है, खूबसूरत है तू रुत जवान है, आज मौसम हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। काली काली घटा डर रही है, काली काली घटा डर रही है, ठंडी आहें हवा भर रही है, सबको क्या क्या गुमा हो रहे हैं, हर कली हम शक कर रही है, फूलों का दिल भी कुछ बदगुमान है, आज मौसम हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। ये था चरित्र अभिनेता गोपी भल्ला से मंजरी वर्मा की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे गुरुवार को यादों का सिलसिला में। सिलसिला